की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना, सफलता हमें मुश्किलों को पार करने के बाद ही दिखती है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ेगा। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। खुद को काट कर भी रख दोगे तो ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो मन चाहे, वो नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात ये है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत है। जिंदगी में दो चीजों का घमंड कभी मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, पर वो तो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो सारी अच्छाइयां भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। जिसके लिए तुम्हारे पास वक्त ना हो, उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भरोसा नहीं क्या मुझ पर, ये लाइन बोलकर ना जाने कितने लोग धोखा खा जाते हैं। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ और जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्ते को पकड़ कर रखता है। जितना कम बोलोगे उतने ज्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। रिश्ते को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा होना पड़ेगा। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना एक बेहतरीन विकल्प है। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं, यकीन करो सब बदलते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वो तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब केवल इसका फायदा उठाना जानते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्ण पे भरोसा रखो तो बुरा वक्त आने ही नहीं देंगे। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ कोई किसी का नहीं। सबको मतलब की बीमारी है। जब तालाब भरता है तो मछली चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता है, उसका वक्त बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहे, क्रोध आने पर शांत रहे, यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे
तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा जरूर मिलेगी। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस तरह सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। जो आपके दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की हिम्मत रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, अपने लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। ये एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना होता है। कभी हार मत।